जब हम लाइफ टाइम टैक्स पे कर रहे होते हैं तो उसमें होता यह है कि वैल्यू जो कंसीडर की जाती है वो कंसीडर की जाती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ट्रांसफर हुआ 2018 के अंदर और डेथ होती है 2021 में, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब लाइफ टाइम एट द टाइम ऑफ डेथ टैक्सेबल होगा तो उसकी वैल्यू कौन सी होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी या नई वाली वैल्यू होगी। तो वैल्यू जो होती है वो ओरिजिनल होती है एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। ओके, सो द चार्जेबल अमाउंट ऑफ अ लाइफ टाइम गिफ्ट विच माइट बी अ CLT और PET इज कैलकुलेटेड एंड फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। इफ द गिफ्ट बिकम चार्जेबल ऑन द डेथ ऑफ द डोनर, अब होता क्या है, समटाइम्स या तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है या वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर वैल्यू इंक्रीज होगी डेट ऑफ गिफ्ट से डेट ऑफ डेथ के दरमियान, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंड दिस इज अ बेनिफिट एज वेल कि जब आप किसी को लाइफ टाइम गिफ्ट देते हैं तो उसका वन ऑफ द बेनिफिट ये है कि इंक्रीज इन वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बिटवीन द डेट ऑफ गिफ्ट एंड द डेट ऑफ द डोनर्स डेथ, रिलीफ मिलेगा आपको। और वो रिलीफ क्या मिलेगा, जितना भी वैल्यू में फॉल आया है उससे आप अपना चार्जेबल अमाउंट जिसके ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट होती है डेथ के वक्त उसको रिड्यूस कर देंगे। एंड दिस टाइप ऑफ रिलीफ इज कॉल्ड फॉल इन वैल्यू रिलीफ। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आप वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी और कंडीशंस क्या हैं, तो आप नेक्स्ट पेज पे देखें। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। टू क्वालिफाई फॉर दिस रिलीफ, ये रिलीफ हासिल करने के लिए, द एसेट मस्ट, अब किसी ने गिफ्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल 2018 में गिफ्ट किया अपने बेटे को और डेथ उस शख्स की हो जाती है 2022 में, तो कंडीशन क्या कहती है, आइदर स्टिल बी ओन्ड बाय द डोनी एट द डेट ऑफ द डेथ, पहली कंडीशन क्या है, या तो उसने होल्ड किया वो उस एसेट को, आगे बेचा ना हो, और दूसरी कंडीशन है अगर बेच दिया हो, फॉर एग्जाम्पल सो इट वॉज सोल्ड इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन बिफोर दी डोनर डाइड। तो अगर बेचा नहीं है तब तो ऑब्वियसली कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर बेच दिया है तब भी उसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जो वैल्यू होगी उसका रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब वो एसेट या तो ओन्ड हो अपने हाथ में हो, या अगर बेच भी दिया हो तो आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन में, यानी कि मार्केट प्राइस पे रीजनेबल प्राइस के ऊपर उसको बेचा हो, तो फॉल इन वैल्यू का रिलीफ मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो फॉल इन वैल्यू का रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, समटाइम्स हम कोई ऐसा आइटम ट्रांसफर करते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन वैल्यू डिक्रीज हो रहा होता है, सच एज प्लांट एंड मशीनरी, और वो चैटल्स, चैटल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होते हैं, चैटल्स को कहते हैं टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, वो एसेट्स जिनकी प्रिडिक्टेबल लाइफ 50 साल या 50 साल से कम हो। तो ऐसे जो एसेट्स होते हैं वो यूजुअली खुद ब खुद डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो फॉल इन वैल्यू आ रही है ना उसको हम कंसिडर इन दिस रिलीफ नहीं करेंगे। यानी कि एसेट ऐसा होना चाहिए जो खुद ब खुद डिक्रीज या डेप्रिशिएट ना होता हो, बल्कि उसकी वैल्यू किसी और वजह से डिक्रीज हो रही हो। अब स्लाइड्स हो रही हैं आप लोगों के पास शेयर, और ये भी बता दीजिए कि स्लाइड्स मूव हो रही है नहीं हो रही, बिकॉज समटाइम्स लेक्चर हो रहा होता है स्लाइड कॉन्स्टेंट हो जाती है। ओके, देन इट्स फाइन। तो ये कंडीशंस हमें देखनी है कि टाइप ऑफ एसेट कौन सा है, और वो नॉर्मल एसेट होना चाहिए, वो डेप्रिशिएटेड एसेट नहीं होना चाहिए, उस पर फॉल इन वैल्यू रिलीफ नहीं मिलता। फॉल इन वैल्यू रिलीफ मिलेगा कैसे, द रिलीफ ऑपरेट्स बाय रिड्यूसिंग द चार्जेबल अमाउंट, जो भी चार्जेबल अमाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ हम लेते हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे बाय द फॉल इन वैल्यू। फॉल इन वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, अब फॉल इन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
डोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉल इन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो फॉल इन वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ गिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कुछ नंबर्स डाल देता हूँ. 400,000 द वैल्यू ऑफ एसेट एट द डेट ऑफ द डेथ और द डेट ऑफ द सेल विच एवर इज अर्लियर. तो हम इसको फिलहाल काट देते हैं और एज्यूम करते हैं कि डेथ के वक्त उसके पास एसेट मौजूद था और वो एसेट की जो वैल्यू थी वो 350,000 हो चुकी है. तो 400,000 एंड 350,000, दिस 50,000 इज द फॉल इन वैल्यू. और जब हम चार्जेबल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाने जाएंगे तो पहले उस ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट से हम ये रिलीफ माइनस करेंगे विच इज फॉल इन वैल्यू रिलीफ. और उसके बाद फिर आगे जो डेथ का प्रोफॉर्मा था, उसके बाद जो NRB होगा, फिर उसके बाद जो टेपर होगा, वो सब इस एज इट इज आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर देंगे. और अगर डेथ से पहले वो एसेट सेल हो गया था तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू होगी उसको हम 400,000 से कंपेयर कर लेंगे. नोट दैट दिस रिलीफ अप्लाइज टू बोथ PET एंड CLT, यानी कि PET हो उस पर भी अप्लाई हो सकता है, CLT हो उसके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है. Only affect the calculation of the IHT on that one gift. यानी के अगर एक gift के ऊपर आपने ये benefit ले लिया तो आगे उस gift के जो consequences होंगे या look back 7 years में जब हम उस gift को देखेंगे तो उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ fall in value को हम deduct करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. So has no effect on lifetime IHT already paid. Has no effect on IHT payable on any subsequent gift or the death state. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने fall in value relief निकाल लिया तो आप सिर्फ उसको gross chargeable amount से minus कर दें, उसके बाद अगर उस asset को कहीं use करना है तो उस पर कोई fall in value consider नहीं की जाएगी, उसकी original values को ही consider किया जाएगा. Therefore, the original gross chargeable amount is accumulated and carried forward to calculate RNRB on subsequent event. ऐसा ना हो कि जब RNRB के लिए look back 7 years देख रहे हो तो वहां भी आप fall in value ले लें. वो उसकी अपनी original amount पे जो भी gross chargeable amount होगा उसको consider किया जाएगा. ये हमारा fall in value relief हो गया, done. काफी simple सा concept है important, sometimes part of the question बनकर आ जाता है. तो इसकी condition और इसका formula जो difference निकाला जाता है वो जहन में रखा जाए. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेथ स्टेट की. पहले मैं आपको डेथ स्टेट का एक प्रोफॉर्मा बताऊंगा, उसके बाद फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. हमने बात स्टार्ट की थी कि IHT लाइफ टाइम गिफ्ट पे लगता है और डेथ स्टेट के ऊपर लगता है. अब हम बात करेंगे डेथ स्टेट के ऊपर. एक शख्स की डेथ होती है और वो अपनी विल में जो कुछ उसके पास है वो नॉमिनेट करके जाता है. वो किसको नॉमिनेट कर सकता है? वो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को नॉमिनेट कर सकते हैं, वो चिल्ड्रन को नॉमिनेट करके जा सकते हैं, वो ग्रैंड चिल्ड्रन को नॉमिनेट करके जा सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स को नॉमिनेट करके जा सकते हैं, नेफ्यू नीस को नॉमिनेट करके जा सकते हैं, वो किसी चैरिटी या किसी पॉलिटिकल पार्टी को नॉमिनेट करके जा सकते हैं, किसी को भी नॉमिनेट करके यूजुअली जा सकते हैं. इसमें अंदर होता ये कि समटाइम्स जो ट्रांसफर किया जाता है वो किसी स्पेसिफिक पार्टी को ट्रांसफर किया जाता है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक लेगेटी. और समटाइम्स कुछ स्पेसिफिक को किया जाता है और कुछ जो बच जाता है वो कहा जाता है कि जो कुछ बच जाएगा वो मैं अपने बेटे को दे दूंगा, तो वो रेजिडुअल लेगेटी कहलाता है. लेगेटी जिसको लेगेसी ट्रांसफर की जाती है, तो जिस जिनको नाम लेके ट्रांसफर की जाए कि ये घर है ये मैंने अपने बेटे को दिया, या ये जो कैश है ये मैंने अपनी बेटी को दिया, इतना मैंने अपनी वाइफ को दिया, तो उसके अलावा जो बाकी बच जाएगा जो रेजिडुअल होगा वो किसको से हम क्या कहेंगे? जो रेजिडुअल लेगा उसको हम नाम दे देंगे रेजिडुअल लेगेटी. अच्छा, इसके अंदर जो डेथ स्टेट होगी उसमें से अगर कोई इंटर स्पाउस किया जाएगा, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटर स्पाउस क्या होता है. इंटर स्पाउस क्या होता है? एग्जेम्प्ट.
चाहे ड्यूरिंग द लाइफ हो या डेथ स्टेट के अंदर हो। तो अगर एक शख्स के पास डेथ स्टेट में 5 लाख की वैल्यू है और वो 5 के 5 लाख इंटर स्पाउस करके चला जाता है तो कोई आईएसटी नहीं होगा। और अगर वो कहता है कि इसमें से कुछ अमाउंट मैं स्पाउस को दे रहा हूँ, बाकी मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, तो बच्चे जो होंगे वो आईएसटी पे करेंगे, जो कि उस डेथ स्टेट का फायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से जो चैरिटी वगैरह होगी तो चैरिटी एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर कोई आईएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक शख्स के पास डेथ स्टेट बची सपोज 5 लाख की, उसकी डेथ स्टेट की वैल्यूएशन की गई तो 5 लाख बची, उसने कहा कि इसमें से चैरिटी को दे दें 50,000, मेरी वाइफ को दे दें 1,50,000 और जो बाकी बचे वो दे दें मेरे बेटे को। तो जो बेटा होगा ना वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, बेटा बन जाएगा रेजिडुअल लेगेटी। तो आईएसटी कौन पे करेगा इसके ऊपर? अगर इसके ऊपर कोई आईएसटी पे किया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आईएसटी पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रेजिडुअल लेगेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? अब ये जो 500,000 मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो डेथ स्टेट की वैल्यूएशन, डेथ स्टेट वैल्यूएशन चैप्टर नंबर 1 में इसके स्लाइड सा इंट्रोडक्शन हुआ है। हम अभी फिलहाल इसकी बहुत डिटेल वर्किंग नहीं कर रहे, बेसिक वर्किंग करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसकी डिटेल वर्किंग पे बात करेंगे। डेथ स्टेट की वैल्यूएशन में आपको ये देखना है कि जिस शख्स की डेथ हो गई उसके पास क्या क्या एसेट्स रखे हुए थे वो लेने, और उसमें से अगर कोई लाइबिलिटीज उसके ऊपर थी तो वह लाइबिलिटीज डिडक्ट कर दिए जाएंगे, और अगर कोई फ्यूनरल चार्जेस थे जो कि अलाउबल एक्सपेंस होते हैं नॉर्मली तो वो भी उसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, तो हमारे पास उसकी स्टेट की वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो एसेट्स इंक्लूड ऑल आइटम्स, जो कुछ उसके पास था, नो एग्जेम्पशन, कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ लेंगे। तो किस वैल्यू पे लेंगे? अगर हमें सब कुछ लेना है तो वो सब कुछ हम किस वैल्यू पे लेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। सो नॉर्मली जब डेथ स्टेट की हम वैल्यूएशन करते हैं और डेथ स्टेट के अंदर हमें कुछ अमाउंट लेना होता है तो वो अमाउंट याद रखिएगा क्या होता है, वो होता है ओपन मार्केट वैल्यू, OMV, ओपन मार्केट वैल्यू। एक्सेप्ट फॉर कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लेते, वरना नॉर्मली जब भी किसी शख्स की डेथ स्टेट की वैल्यूएशन की जाएगी तो उस वक्त उसकी जो भी ओपन मार्केट वैल्यू होगी वो ओपन मार्केट वैल्यू लगाई जाएगी और उसको डेथ स्टेट के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। यहां तक क्लियर? एनी क्वेश्चन? अच्छा, आईएचटी से हमने स्टार्ट क्यों लिया है अपने सेशन का? इसलिए कि आईएचटी का पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर 3-4 चीजें हैं इसके अंदर जो मुश्किल है। तो आईएचटी आप पहली फुर्सत में साइड में कर दें टॉपिक के, ये टॉपिक हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सारी थ्योरी भी कर ली है, इसकी सारी स्लाइड्स नोट्स भी आपने गो थ्रू कर लिए, रेलेवेंट पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेंगे। तो आपने एक 10-15% वेटेज का टॉपिक साइड में रख दिया कि जी इसमें से अगर कुछ आता है एग्जाम में तो इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू परफॉर्म एट लीस्ट गुड। इसमें कोई भी एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो एग्जाम में आए तो मुझसे वो सवाल हो ना पाए। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस जितने भी न्यूमेरिकल हैं आईएचटी के वो हम इसके साथ कनेक्टेड अगर कर लेते हैं तो हमारा एक पोर्शन इस तरह से साइड में हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओपन मार्केट वैल्यू पे नहीं होगी, आई टोल्ड यू, वो हम आगे जाके इस पर बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाउस है, फॉर एग्जांपल डेथ स्टेट के अंदर एक घर है, तो घर पर नॉर्मली क्या होता है, घर पर नॉर्मली लोन लिया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं मॉर्टगेज।
क्या वो हाउस की जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी क्या उसमें से मॉर्गेज माइनस किया जाएगा? यस, हाउस को हम नेट ऑफ मॉर्गेज लेंगे, जो भी मॉर्गेज उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग होगा वो मॉर्गेज उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउस की वैल्यू है सपोज 600,000 और उसके ऊपर 1 लाख का मॉर्गेज मौजूद है, तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू जो कि डेथ स्टेट में जाएगी, पार्ट ऑफ डेथ स्टेट, वो कितनी होगी? वो होगी 500,000। सवाल ये पैदा होता है, क्या हर मॉर्गेज माइनस होगा? सो देर आर थ्री काइंड ऑफ मॉर्गेज जो आपको सवाल में देखने को मिल सकते हैं, उनमें से एक आप माइनस नहीं करेंगे, बाकी दो माइनस करेंगे। एक होता है लोन मॉर्गेज, एक होता है इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज। ये दोनों डिडक्ट होते हैं हाउस की वैल्यू में से, जिसको आप डिडक्ट कर सकते हैं। एक होता है इंडोमेंट मॉर्गेज, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कनेक्ट हुआ हुआ होता है और उसी में से एडजस्ट होता है, इसलिए अगर वो दिया हुआ होगा तो नॉट टू बी डिडक्टेड। ये पॉइंट याद रखें, अगर सवाल में इंडोमेंट मॉर्गेज दिया हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर दें, उसको माइनस नहीं करेंगे, और बाकी जो मॉर्गेज है नेट ऑफ वैल्यू लेकर उसको डेथ स्टेट का पार्ट बना देंगे। समटाइम्स आपकी डेथ स्टेट के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है और जो प्रोसीड आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाली होती है वो डिफरेंट होती है। अब हमने ये बात की है कि डेथ स्टेट के अंदर वैल्यू सारी ओपन मार्केट वैल्यू पे आएंगी एक्सेप्ट फॉर, तो यहाँ ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पर हम इंश्योरेंस प्रोसीड लेंगे जो हमें रिसीव होनी है। तो ये एसेट्स के अंदर कुछ फॉर द टाइमिंग मैंने अमेंडमेंट्स बता दी। लाइबिलिटीज यानी कि ऑब्लिगेशंस जो हमें डिडक्ट करनी है एसेट्स के अंदर से, वो ऑब्लिगेशंस जेन्युइन ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉमिस किया हुआ है किसी से, ओरल प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो हम माइनस नहीं करेंगे। अगर आपको सवाल में कोई जेन्युइन ऑब्लिगेशन नजर आती है वो हम माइनस कर देंगे। फ्यूनरल चार्जेस जो भी होते हैं उसको दफनाने के, वो सारे अलाउबल होते हैं प्रोवाइडेड दैट रीजनेबल हो, और रीजनेबल सवाल में रीजनेबल का कोई मसला यूजुअली हमें नजर नहीं आता, तो रीजनेबल ही होते हैं नॉर्मली। तो फॉर एग्जांपल फ्यूनरल चार्जेस हैं किसी भी किस्म के, कोई भी कनेक्टेड, तो वो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसकी डेथ स्टेट में से माइनस करेंगे। सो एक रफली डेथ स्टेट की अगर कैलकुलेशन की जाए, सो लेट मी आइडेंटिफाई फ्यू आइटम्स ताकि हमें प्रोफॉर्मा पता लग जाए। फॉर एग्जांपल उसके पास एक कार थी, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू हमने ली, यहाँ पर उसके पास एक हाउस था विच इज नेट ऑफ मॉर्गेज, वो हमने यहाँ पे लिया, इसके अलावा उसका एक बैंक बैलेंस था वो हमने लिया, उसके अलावा उसके पास कुछ और भी होगा ऑब्वियसली, ये हमने उसके एसेट्स को प्लस कर लिया। उसके बाद हमने इसमें से जो जेन्युइन ऑब्लिगेशंस थी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक लोन लिया हुआ था उसने, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी, उसकी टैक्स पेबल की कुछ लाइबिलिटी बन रही थी, वो उसने एचएमआरसी को अभी तक पे नहीं की, वो माइनस कर दी जाएंगी, और जो फ्यूनरल चार्जेस होंगे, जो रीजनेबल फ्यूनरल चार्जेस होंगे, जो अलाउबल होंगे, वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे, तो ये आपके पास आपकी डेथ स्टेट वैल्यू आ जाएगी, इसको कहते हैं आपकी वैल्यू ऑफ स्टेट, स्टेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सपोज ये स्टेट की वैल्यू आ गई 5 लाख। अब इसमें से अगर कोई इंटर स्पाउस ट्रांसफर अगर कोई चैरिटी को दिया हुआ होगा, तो क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होते, तो वो इंटर स्पाउस चैरिटी पॉलिटिकल पार्टी वो सब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर टैक्स नहीं लगता, और ये माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगी ग्रॉस चार्जेबल स्टेट, जिसके ऊपर आपको टैक्स लगाना है।
ग्रॉस चार्जेबल स्टेट फाइंड आउट करने के बाद अब हमें देखना है कि क्या हमारे पास कोई और रिलीफ मौजूद है। तो इसमें से हम अपना टिपिकल नॉर्मल रिलीफ माइनस करेंगे निल रेट बैंड। अब ये निल रेट बैंड लाइफ टाइम में भी अवेलेबल था, ये एट द टाइम ऑफ डेथ भी अवेलेबल था, और ये डेथ स्टेट में भी अवेलेबल है। ये माइनस करेंगे, क्या इसमें भी लुक बैक 7 ईयर्स का रूल होगा? यस, इसमें भी लुक बैक 7 ईयर्स का रूल होगा। अगर लुक बैक 7 ईयर्स में कोई आपके पास ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट है तो वो इसमें से आप क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और उसके बाद अगर कोई एनआरबी बचा तो वो एनआरबी यहां से माइनस हो जाएगा। यहां पर जो लुक बैक है वो लुक बैक का कंडीशन क्या है, यहां पर जो लुक बैक 7 ईयर्स हैं उसकी टाइमिंग अब कहां से होगी, पहले कहां से होती थी? एनी आईडी? पहले हम लुक बैक कहां से देखते थे? जी, एनी आइडिया? लुक बैक कहां से देखते हैं, किस डेट से लुक बैक देखा जाता है? एट द टाइम ऑफ डेथ या एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर? सो इट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। लेकिन डेथ स्टेट की कैलकुलेशन में लुक बैक फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ देखा जाएगा, और उसमें हम तमाम CLT कंसीडर करेंगे और उन तमाम PET को कंसीडर करेंगे जो के टैक्स के लिए एलिजिबल हैं। ये एक बेसिक सा फर्क है जो के NRB के अंदर होता है। ये माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम नाम दे देंगे टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल स्टेट वैल्यू। इसके ऊपर IST जो लगेगा उसका नॉर्मल रेट कितना है? 40%। अब यहां मैंने नॉर्मल रेट इसलिए बोला कि सम टाइम्स ये रेट रिड्यूस भी हो जाता है, उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि रेट रिड्यूस होने का कि रीजन क्या है और कितना रेट रिड्यूस हो सकता है। इसमें से कोई टेपर रिलीफ वगैरह कुछ भी माइनस नहीं होगा, एंड दिस इज योर फाइनल IHT जो के रेजिडुअल लेगेटी को पे करनी है। लेकिन पे करेगा कौन? वो जो के आपकी सारी IHT के मैटर को देख रहा है, रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर कहते हैं इसको, जो सारे मामला तय करेगा वो एग्जीक्यूटर। इसमें से जो भी टैक्स का अमाउंट होगा सबको दे दिया उसने, जो भी टैक्स का अमाउंट है वो टैक्स अथॉरिटी को दिया, जो बाकी बच जाएगा वो हैंडओवर कर देगा किसके? रेजिडुअल लेगेटी के, जी आपका अमाउंट है या आपके फादर ने ट्रांसफर किया था आपको, या आपको बचा कुचा जो भी मिलना था या आपके पास मिल गया। तो एक बेसिक प्रोफॉर्मा है जिसमें तमाम एसेट्स को लिया जाएगा, तमाम ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग द फ्यूनरल चार्जेस माइनस किया जाएगा, एग्जेम्पशंस माइनस की जाएंगी, ग्रॉस चार्जेबल स्टेट आएगा, NRB फाइंड आउट किया जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आएगा, IHT 40 या किसी और रेट से लगेगा, और आपकी IHT पेबल यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सब? अच्छा, अब इसके अंदर समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर समटाइम्स हमारे पास एक और NRB आता है ना, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, वो कब आएगा कैसे आएगा। उसका नाम है रेजिडेंस NRB। अब इसे अच्छी तरह से समझना है कि नया NRB आया है, ये पहले तो नहीं आया था, हमने लाइफ टाइम भी निकाल लिया, लाइफ टाइम का डेथ वाला भी निकाल लिया, उस वक्त तो ये RNRB था नहीं, अभी RNRB कहाँ आया है और इसकी एप्लीकेशन भी। तो ये जो RNRB है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगता है? ये लगता है सिर्फ और सिर्फ डेथ स्टेट के। ये किसी भी लाइफ टाइम PET CLT वगैरह के ऊपर नहीं लगता, ये सिर्फ किस पे लगता है? ये लगता है डेथ स्टेट के। अब इसके रूल्स चेक कर लेते हैं RNRB के, क्या रूल्स हैं। आपके सामने स्लाइड्स आपको नजर आ रही होगी, उस स्लाइड से हम देखते हैं कि RNRB के क्या रूल्स होते हैं, फिर हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। मैक्सिमम RNRB जो अवेलेबल है किसके लिए 2020-21 के लिए, वो कितना है?
1,75,000। ये टैक्स शीट में गिवन है, टैक्स शीट आप ओपन करके देखेंगे तो टैक्स शीट के अंदर ये 1,75,000 लिखा हुआ होगा। सवाल ये पैदा होता है क्या ये हमेशा माइनस होगा, क्योंकि एनआरबी तो हमेशा माइनस होता है अगर लुक बैक से बच गया तो। लेकिन आर एन आर बी हमेशा माइनस नहीं होगा। आर एन आर बी की कंडीशन क्या है कि आपके पास डेथ स्टेट के अंदर क्या चीज होनी चाहिए। पहली कंडीशन, डेथ स्टेट इनकॉर्पोरेट्स द मेन रेजिडेंस ऑफ द पर्सन जो मर गए, और ये काफी नहीं है, मेन रेजिडेंस का होना काफी नहीं है, वो मेन रेजिडेंस इनहेरिट भी करके गया हो किसे। दूसरी कंडीशन, डायरेक्ट डिसेंडेंट को, और वो डायरेक्ट डिसेंडेंट कौन है, वो हैं चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन। अब आपके पास डेथ स्टेट में अगर घर है ही नहीं तो आर एन आर भी नहीं होगा, और अगर डेथ स्टेट में घर है लेकिन वो घर उसने अपनी वाइफ को दे दिया, चैरिटी को दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, अब भी आर एन आर भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर डेथ स्टेट के अंदर घर है और वो घर डायरेक्ट डिसेंडेंट को दिया गया तो अब आपका आर एन आर भी एक्टिव हो जाएगा, और जिस तरह आप एन आर भी माइनस करते हैं उस तरह आप आर एन आर भी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। और ये सिर्फ किस पे अवेलेबल होता है, डेथ स्टेट के ऊपर अवेलेबल होता है, नॉट अवेलेबल ऑन पैट और सीएलटी, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपने किराए पे देने के लिए खरीदी है, मेन रेजिडेंस नहीं है, बाय टू लेट प्रॉपर्टी यानी कि कमर्शियल बिजनेस, तो वो आर एन आर भी एलिजिबल नहीं होती। तो आर एन आर भी मीन्स आपका वो घर जिसमें आप रहते हैं, बाय टू लेट प्रॉपर्टी वो नॉर्मली रेंटल बिजनेस होते हैं, वो इसमें काउंट नहीं होगा। अब क्या आर एन आर भी 175 पूरा का पूरा अवेलेबल होगा, क्या इसमें कोई कमी हो सकती है, क्या ये इंक्रीज हो सकता है, अब हमें इस पे बात करनी है। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन राइट नाउ जो हम कर रहे हैं आर एन आर बी, क्योंकि डेथ स्टेट के अंदर आर एन आर बी नॉर्मली आता ही है। डेथ स्टेट में घर का होना, आर एन आर बी का होना, इट्स वेरी कॉमन। चल आर एन आर बी की वैल्यू लेंगे कितनी, मैक्सिमम तो दी हुई आपको 1,75,000 टैक्स शीट के अंदर, लेंगे कितनी, तो रूल क्या बना, रूल बनता है लोअर ऑफ। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपके रूल जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो अगर आप रूल्स को याद नहीं करेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये रूल आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगे और एग्जाम में आपको काफी टेंशन का सामना कर हो सकता है करना पड़े। सो लोअर ऑफ व्हाट, 1,75,000 सब्जेक्ट टू टेपरिंग को अभी हम भूल जाते हैं, 1,75,000 ए। नंबर टू, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नेट ऑफ रीपेमेंट मॉर्गेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। क्या मतलब, मतलब ये 1,75,000 तो फिक्स हो गया, जो घर जिसके ऊपर आर एन आर भी आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू नेट ऑफ मॉर्गेज करके आपने फाइंड आउट की, नेट ऑफ मॉर्गेज करके आपने वैल्यू निकाली, वो आती है 1,50,000। रूल क्या है, रूल है लोअर ऑफ। लोअर ऑफ में कितना अमाउंट बनता है, लोअर ऑफ में अमाउंट बनता है 1,50,000। तो ऑल्दो मैक्सिमम वैल्यू 175 है, लेकिन क्योंकि हाउस की वैल्यू कम है इसलिए आप सिर्फ 1,50,000 डिडक्ट करेंगे, इससे ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें, और वो है ट्रांसफर ऑफ NRB। तो हमारा जो नॉर्मल NRB है और जो हमारा RNRB है, क्या दोनों ही ट्रांसफर हो सकते हैं? इसका आंसर यस, RNRB भी ट्रांसफर हो सकता है और नॉर्मल NRB भी ट्रांसफर हो सकता है। आप देखें ट्रांसफर की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम ये टेपर्ड वाला मसला करते हैं कि टेपर्ड क्या होता है। तो हम पहले ट्रांसफर की कंडीशंस पढ़ते हैं। अगर स्लाइड्स स्टक हो ना तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, वरना वो रिकॉर्डिंग में नॉर्मली नहीं आती। सो लेट्स डिस्कस ट्रांसफर ऑफ अनयूज्ड एनआरबी एंड ट्रांसफर ऑफ अनयूज्ड
आर एन आर बी दोनों अनयूज्ड क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। कहां से कहां ट्रांसफर हो सकते हैं? अनयूज्ड एनआरबी और आर एन आर बी कैन बी ट्रांसफर्ड टू स्पाउस और सिविल पार्टनर। क्या मतलब? मतलब ये कि एक शख्स है मिस्टर एक्स, उसकी 2016 में डेथ हो गई, 2022 में उसकी वाइफ की डेथ हुई। जब वाइफ की डेथ होगी तो उसका एनआरबी कितना होगा? 3,25,000 मैक्सिमम। अगर आर एनआरबी उसके लिए इलिजिबल हुआ तो कितना होगा मैक्सिमम? 1,75,000। अब देखना यह है कि जब उसके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हुई थी तो यहां पर जो एनआरबी था और यहां पर जो आर एन आर बी था, क्या ये यूज हुआ? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 50% अनयूज्ड रहा, 50% उसकी डेथ स्टेट में इस्तेमाल हो चुका था, 50% इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो 50% रह गया है ना, ये आप चाहें तो किसको दे सकते हैं? दूसरे स्पाउस को भेज सकते हैं कि ये 50% आपके जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो बच गया था ना, ये आपने साथ मिला लें, और अगर पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ तो फिर 100% मिला लें अपने साथ। तो मैक्सिमम 3,25,000 इंटू 2 एंड 1,75,000 इंटू 2, लेकिन हमें एग्जाम में देखना पड़ेगा कि अनयूटिलाइज्ड परसेंटेज कितनी बची थी। फॉर एग्जाम्पल देखें, जो पहला स्पाउस की डेथ हुई उसकी डेथ स्टेट के अंदर 2,00,000 की वैल्यू थी, एनआरबी कितना होता? एनआरबी होता 3,50,000। तो एनआरबी हमने यूटिलाइज किया 2,00,000, एनआरबी बचा कितना? 3,25,000 में से आप 2,00,000 माइनस कर दें तो कितना एनआरबी बच गया जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ। अभी मैं सिर्फ एनआरबी पे फोकस कर रहा हूँ, जो एनआरबी का कॉन्सेप्ट है वो आर एनआरबी पे भी अप्लाई होगा। 1,25,000 हो गए। अब क्या हम ये 1,25,000 इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे वाले को? नो, ऐसा नहीं होगा। आप इस 1,25,000 की क्या निकालेंगे? आप इसे 1,25,000 की परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लेट्स फाइंड आउट परसेंटेज। कैन यू फाइंड आउट परसेंटेज? 1,25,000 आउट ऑफ 3,25,000, इसकी परसेंटेज बताएंगे? इसकी परसेंटेज क्या होगी? Anyone? परसेंटेज ऑफ आर एन आर बी अनयूज कितना? 38%। अब देखें, जो परसेंटेज आपके पास आई है वो आई है 38%। हमारा जो करंट ईयर आर एन आर बी है वो 3,25,000 है, 21-22 का 3,25,000, ये उसका अपना है। और जो अनयूज होगा ना, तो वो अनयूज्ड अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि जो करंट वाला 3,25,000 है उसके ऊपर हम 38% अप्लाई करेंगे। आंसर निकालें, 38% कितना आता है? 3,25,000 का 38% 123,500, दोनों को प्लस कर दें। टोटल एनआरबी कितना अवेलेबल हुआ? 448,500। अब इसको दोबारा देख, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। हस्बैंड एंड वाइफ की डेथ हुई, एक किसी स्पाउस की 2016 में, दूसरे की डेथ हुई 2022 में। 2016 में जिसकी डेथ हुई उसके पास था 2,00,000, तो उसका एनआरबी आउट ऑफ 325 2,00,000 तो यूटिलाइज हो गया, 1,25,000 बच गया। हमने उसे 1,25,000 की परसेंटेज निकाली 38%, और उस परसेंटेज को हमने नए वाले का जो एनआरबी था 3,25,000 उसके ऊपर अप्लाई किया, वो बनी 123,500, दोनों को कंबाइन कर दिया 448,500। अब जो दूसरा स्पाउस की डेथ हुई है उसके लिए एलिजिबल एनआरबी कितना हो गया? 4,48,500। इज दिस क्लियर? सो देखें, अनयूज्ड आर एन आर बी और एनआरबी कैन बी ट्रांसफर टू स्पाउस और सिविल पार्टनर।
surviving spouse or civil partner will have the benefit of their own NRB and RNRB, any unused portion of their spouse or civil partner's RNRB and NRB. Identify the percentage unused and the apply on the second spouse available NRB. तो जो मैंने एग्जाम्पल आपको नीचे करके दिखाई है वो इस थ्योरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को शो कर रही है. जो इंक्रीज्ड एनआरबी होगा वो इंक्रीज्ड एनआरबी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एनी लाइफ टाइम गिफ्ट्स टैक्सेबल ऑन डेथ एंड डेथ स्टेट, दोनों पे इस्तेमाल होगा. यानी कि एनआरबी अगर अनयूज्ड रह गया और दूसरे वाले की डेथ होती है तो उस वक्त उसके जितने भी लाइफ टाइम टैक्सेबल हो रहे होंगे उसके अंदर उसका एनआरबी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी. लेकिन जो इंक्रीज्ड आरएनआरबी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट इस्तेमाल होगा, डेथ स्टेट के अगेंस्ट. और उसकी कंडीशन क्या है कि वो घर होना चाहिए और घर किसको दिया हुआ हो, डायरेक्ट डिसेंडेंट को. दोनों में फर्क क्या हुआ, एनआरबी लाइफ टाइम गिफ्ट्स पे भी मिलता है, डेथ स्टेट के वो भी मिलता है, लेकिन आरएनआरबी सिर्फ डेथ स्टेट पे मिलता है, ओनली इन डेथ स्टेट, और वो भी कंडीशनल है. ये हमारा ट्रांसफर वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट. अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टेपर्ड विथड्रॉल ऑफ द आरएनआरबी. आरएनआरबी हमने अभी कितना पढ़ा था, आरएनआरबी अभी हमने पढ़ा था 1,75,000 फिक्स्ड है. ये आरएनआरबी की इस साल की कंडीशन है. लेकिन बाज दफा क्या होता है कि आरएनआरबी जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है. अब आरएनआरबी रिड्यूस हो जाता है उसकी क्या कंडीशंस हैं, तो हम पहले चलते हैं एक छोटी सी पास्ट पेपर की एग्जांपल करते हैं और उसके बाद फिर ये टेपर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो हमारी जो पास्ट पेपर की हम पहला पास्ट पेपर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं. हम ऑल दो सीबी फॉर्मेट में भी करेंगे लेकिन अभी क्योंकि हमारा बिगनिंग है, जस्ट इट्स बिगनिंग, तो अभी हम सीबी फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं कर रहा. आप लोग अपने तौर पे एक्सेल के अंदर जो कैलकुलेशन में यहाँ शो करूँगा उसको आप प्रैक्टिस एक्सेल में कर लिया करें ताकि आपकी थोड़ी सी एक्सेल की नो हाउ जो है वो क्रिएट हो जाए और आपको आइंदा प्रॉब्लम ना हो. हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करने जा रहे हैं, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्योंकि पास्ट पेपर के क्वेश्चन में यूजुअली मिक्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं. तो आई विल जस्ट फाइंड आउट द सेलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द आईएचटी और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं. इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है पेपर में और काम की इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी पड़ती है. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आईएचटी पास्ट पेपर क्वेश्चन. इसका नाम है पेस्कारा, किट के अंदर इसका नंबर है 30. इसके अंदर देखें अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट में जाएं, सेक्शन बी टाइप 20 नंबर वाला सवाल है, तो इसके चार पार्ट्स आपको दिए हुए, ए बी के दो पार्ट्स और सी का एक पार्ट. अब इसके अंदर ये है पहला पार्ट, फिलहाल हमारा फोकस है कैलकुलेट, पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है. कैलकुलेट दी आई एच टी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मेरीनाज गिफ्ट ऑफ द शेयर्स इन सिपैंग पीएलसी एज अ रिजल्ट ऑफ हर डेथ, 7 मार्क्स की कैलकुलेशन. बाकी जो अगले दो पार्ट हैं वो हमारा नेक्स्ट जो जो भी टॉपिक है सीजीटी, ये सीजीटी के 9 मार्क्स का सवाल बनेगा. और अगला जो चार है वो भी आई एच टी का एक पार्ट क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर के सवाल में एग्जामिनर ने 11 नंबर का आई एच टी पूछा और 9 मार्क्स का सीजीटी पूछा. एंड इट इज हाईली लाइकली एग्जाम में सीजीटी और आई एच टी को कंबाइन करके एक सवाल बना दिया जाए, वरना आई एच टी और सीजीटी हर सवाल में कहीं ना कहीं एज अ पार्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको नजर आएगा. चले हम अपना रेलेवेंट जो पार्ट ए है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि मरीना का गिफ्ट जो था उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है. तो बैकग्राउंड चाहिए हमें,
Pescara require advice on the IHT payable on death and on the gift of a property and on the capital gain tax due on disposal of shares together with the relief available in respect of purchase of seed enterprise investment scheme shares. Pescara hai kon? Pescara and her parents. Pescara hai kon? Pescara is a higher rate taxpayer. Ye ek kaam ki information hai, lekin CGT ke liye kaam ki hai, IHT ke liye kaam ki nahi hai. हायर रेट टैक्सपेयर है जो कि रेजिडेंट है और डोमिसाइल्ड है यूके में. अब हम क्योंकि अभी हमने रेजिडेंट और डोमिसाइल का चक्कर पड़ा नहीं है, तो अगर कोई शख्स यूके डोमिसाइल ना हो, उसकी कोई स्पाउस यूके डोमिसाइल ना हो, वो आपस में ट्रांसफर कर रहे हो, तो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. लेकिन पेस्कारा इज अ यूके रेजिडेंट एंड डोमिसाइल. पेस्कारा का फादर गैल्विस डाइड ऑन 1 June 2008. Pescara's mother Marina died on 1st October 2021. Both were also resident and domiciled in UK. अब गैल्विस जो के उसका फादर था, उसने क्या किया? गैल्विस ने लाइफटाइम गिफ्ट्स भी किए, गिफ्ट्स ऑन डेथ भी किए. चेक करते हैं किए नहीं किए. गैल्विस ने कोई लाइफटाइम गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन गैल्विस ने अपनी विल में 80,000 का कैश छोड़ा है पेस्कारा के लिए और फर्दर 80,000 का कैश छोड़ा है उसके ब्रदर के लिए. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसकी डेथ स्टेट थी उसके अंदर कितना अमाउंट मौजूद था? 1,60,000. और जो बाकी था वो उसने किसको दे दिया? अपनी वाइफ को दे दिया. बाकी कितना भी था मेरे से कोई कंसर्न नहीं है. क्यों? क्योंकि इंटर स्पाउस क्या होता है? इंटर स्पाउस एग्जेम्प्ट होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर 5,00,000 का टोटल वैल्यू थी और 1,60,000 उसने अपने दो बंदों को दिया, तो बाकी तो स्पाउस में फ्री चला गया होगा, उसके हमें जरूरत भी नहीं है. ना भी दिया हो कोई फर्क भी नहीं पड़ता. अच्छा, आप लोगों को इस सवाल में कोई मसला समझ में आ रहा हो, कोई चीज पूछनी हो, तो आप साइड बाय साइड मुझसे पूछ लीजिएगा. मैं सवाल का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जो काम की चीज है कि सीखें इस सवाल में, सवाल को टैकल करने का तरीका सीखें कि किस तरह से एक टॉपिक की मेन मेन चीजें हम इसमें हाईलाइट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपना एक माइंड सेट क्रिएट कर लेते हैं कि हमें क्या करना है आगे. जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया कि उसने वाइफ को दिया तो इंटर स्पाउस एग्जेम्प्ट है. अभी अगर मुझे ये एक्सप्लेन करना हो या मुझे न्यूमेरिकल में इसको डालना हो तो ये नंबर मैंने ले लिया, इंटर स्पाउस एग्जेम्प्ट लिखूंगा, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे. सो गैल्विस के बाद मरीना की डेथ हुई. क्या मरीना ने लाइफ टाइम गिफ्ट किए थे या अपनी लाइफ डेथ में किए थे? तो मरीना ने 1st February को पेस्कारा को 3,75,000 शेयर्स दिए थे. अब पेस्कारा को जो उसने शेयर्स दिए हैं वो एक CLT होगा या PET होगा? Is it a CLT or PET? ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि लाइफ टाइम ट्रांसफर में भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है. तो आप लोगों ने सीखा है कि इसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ पोटेंशियली एग्जेम ट्रांसफर. इसका मतलब है 1st February 2016 पे इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली अगर मरीना की डेथ हो गई. मरीना की डेथ कब हुई? मरीना की डेथ हुई है 1st October 2021. 1st October 2021, 2016 से 2021 काउंट करें. February 2017 एक साल, February 2018 दूसरा साल, February 2019 तीसरा साल, February 2020 चौथा साल, February 2021 पांचवा साल. सो एम आई राइट टू से दैट द टाइम इज 5 to 6? 17, 18, 19, 20, 21 और कुछ महीने. इज इट करेक्ट 5 to 6? इसका मतलब ये हुआ कि ये PET पेस्कारा के लिए टैक्सेबल बन जाएगा. और साथ साथ हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि टैक्सेबल तो बनेगा, टेपर रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि पैट और CLT में टेपर रिलीफ कब मिलता है? जब 3 to 4 हो, 4 to 5 हो, 5 to 6 हो, 6 to 7 हो. मरीना ने इसके अलावा कोई लाइफ टाइम गिफ्ट नहीं किया. तो जब आप लुक बैक 7 ईयर्स देखेंगे तो पूरा का पूरा उसका NRV क्या होगा? उसका पूरा का पूरा NRV हमारे पास अवेलेबल होगा. आगे बढ़ते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन.
अच्छा, अब जो शेयर्स आए हैं, तो आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू समटाइम्स गिवन होती है और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू समटाइम्स गिवन नहीं होती। तो जब शेयर्स का केस आएगा तो उसने गिफ्ट तो कर दिए 375,000 शेयर्स, वेयर इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कहाँ है? अगर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं दी हुई तो जो शेयर्स ट्रांसफर किए गए हैं क्या वो कोटेड शेयर्स हैं या अनकोटेड शेयर्स हैं? अगर वो शेयर्स की वैल्यू नहीं दी हुई तो हमें वो शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, वो हम सीखेंगे इसी सवाल के अंदर से। अब आप देखें, मैरिनाज गिफ्ट ऑफ दीज शेयर्स जो उसने पेस्कारा को दिए, 1 जनवरी 2013 को मैरिना ने 375,000 शेयर्स खरीदे थे 420,000 के। जिस वक्त उसने गिफ्ट किए, तमाम शेयर्स उसने गिफ्ट कर दिए जो भी उसके पास थे, उस वक्त उसकी शेयर्स की प्राइस कितनी थी? कोटेड प्राइस थी मिनिमम 1.84 और मैक्सिमम 1.96, और साथ उसने हमें हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्ड बार्गेन भी बता दिया। ये चार चीजें नॉर्मली आपको गिवन मिलती हैं कि शेयर्स की लोवेस्ट प्राइस थी 1.84, हाईएस्ट प्राइस थी 1.96, रिकॉर्डेड बार्गेन लोवेस्ट 1.8 था और 1.92 था। साथ उसने ये भी बता दिया कि उसको इस तरह का कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ये रिलीफ हम आगे जाके पढ़ेंगे, बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ क्या होता है, लेकिन उसने हमें बता दिया कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू गिवन है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू तो गिवन नहीं है। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे निकालते हैं? शेयर्स की ट्रांसफर ऑफ वैल्यू सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैलकुलेट किए बगैर ना मैं एग्जम्पशन निकाल सकता हूँ, ना मैं एनआरबी निकाल सकता हूँ, ना मैं कुछ और निकाल सकता हूँ। तो अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे निकालें? तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालने का तरीका अभी हमने नहीं पढ़ा था, तो चैप्टर नंबर 2 में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालने का तरीका दिया हुआ है, तो हम साइड बाय साइड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालने का तरीका भी सीख लेते हैं, ताकि अब नेक्स्ट कोई और सवाल आए जिसमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ना दी हुई हो तो हम उस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट दी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। So let me connect one of the sheet related to transfer of value. Sheet आपके सामने नजर आ रही हो, move हो रही हो तो बता दीजिएगा। Can you see that new slide? Special valuation rule. ये chapter number 2 की slide है। ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ पर आपके सामने special valuation rule में किस चीज की valuation का rule दिया हुआ? आपके सामने दिया हुआ है कोटेड शेयर्स, किसका रूल दिया हुआ? अभी पिछले सवाल में चेक करेंगे क्या ये कोटेड शेयर्स थे या अनकोटेड शेयर्स थे। कोटेड शेयर्स की बात की जा रही है, तो कोटेड शेयर्स की अगर आपको वैल्यूएशन करनी है नहीं दी हुई तो उसका फॉर्मूला आप याद कर लें। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला गुजरा था आरएनआरबी में, लोअर ऑफ का एक और फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले आपके पास जमा होते रहेंगे, टैक्स रूल्स आपके पास जमा होते रहेंगे, संभालना आपका काम है, इसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, ताकि ये चीज़ें आपको एग्जाम तक याद रहें। लोअर ऑफ किस चीज़ का? दो चीज़, नंबर 1 क्वार्टर अप मेथड, नंबर 2 एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिकॉर्डेड बार्गेन। तो पहले तो आप क्या करेंगे, क्वार्टर अप मेथड क्या है? लोअर प्राइस लें, उसमें प्लस करें 1/4 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर प्राइस, इससे आपके पास क्वार्टर अप मेथड का आंसर आ जाएगा। फिर निकालें एवरेज किस चीज का, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिकॉर्डेड बार्गेन का, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी लोअर ऑफ वैल्यू, और वो बन जाएगी आपकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के लिए शेयर प्राइस। अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपनी गिवन क्वेश्चन के ऊपर जो हम कर रहे थे, तो आपको वहां से वैल्यू में निकाल के देता हूँ। 375,000 शेयर्स इसने ट्रांसफर किए हैं, किसके? सीपैंग पीएलसी के, ठीक है। तो दो कोटेड प्राइस दी हुई है, लोअर वो है 1.84 और हायर कितनी है 1.96। तो क्वार्टर अप मेथड करते हैं पहले, लोअर ऑफ
क्वार्टर अप, क्या फॉर्मूला था क्वार्टर अप का, लोअर वैल्यू प्लस 1/4 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर वैल्यू. सो हायर वैल्यू थी 1.96, 1.86 थी, 4 थी, 1.84 थी. इसका आंसर निकाल क्वार्टर अप से. 1.84 प्लस 1/4 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर वैल्यू, इसका आंसर आएगा आई गेस 1.87. एम आई राइट? पेंस में आंसर आएगा. और जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आएगा हाईएस्ट और लोवेस्ट रिकॉर्डेड बार्गेन का एवरेज, वो कितना होगा 1.8, 1.92 प्लस 1.92 डिवाइडेड बाय 2. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा 1.86. तो 1.86, 1.87 लोअर ऑफ क्या होगा 1.876. सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितने शेयर्स हमने ट्रांसफर की, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होगी 3,75,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की प्राइस कितनी है 1.6. तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आपकी कितनी बनेगी 697,500. अब ये चीज क्योंकि पास्ट पेपर का भी हम सवाल कर रहे हैं तो आप देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए कोटेड शेयर्स की और किस तरीके से. अगर दी भी होती तो फाइन इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दिया हुआ नहीं था इसलिए हमने ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकाल ली. अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालने के बाद फिर मैसेज एग्जेम्पशंस माइनस होती हैं, सारी चीजें करते हैं. तो हमने ये तो अंदाजा लगा लिया था कि ये पैट है, और पैट है तो अल्टीमेटली पैट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो पैट होता है क्या उसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस होती है? तो हमने ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ली, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आपने दिखाई 697,500. अब इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस, और कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो हमने इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस की. करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन क्या होगी? 3,000, क्योंकि इसने इससे पहले कोई गिफ्ट नहीं किया. तो प्रीवियस ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन क्या होगी? प्रीवियस ईयर की भी 3,000. तो आपके पास ये एक चार्जेबल अमाउंट आ जाएगा जो कि आप आगे डेथ के वक्त कंटिन्यू करेंगे. चार्जेबल अमाउंट इन द टाइम ऑफ ट्रांसफर कितना आया? 6,000, इसमें से माइनस कर दें 691,500. इसके ऊपर टैक्स लगेगा. तो फॉल इन वैल्यू अगर होती तो फिर उसको हम चेंज कर देते. तो एट द टाइम ऑफ डेथ लाइफ टाइम तो हमने ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लिया 691,500. अब आप अगर प्रोफॉर्मा देखें अपने पास तो इस ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट से हमारे पास कोई फॉल इन वैल्यू रिलीफ तो है नहीं, ठीक है? तो डायरेक्ट हमें क्या माइनस करना है? हमें माइनस करना है एनआरबी. एनआरबी की हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ देखें सवाल में हम बेसिकली जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वो मरीना की डेथ के वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं, और मरीना का जो हस्बैंड था गैल्वेज उसके पास से कुछ अनयूज्ड एनआरबी ट्रांसफर होके आ रहा है, तो हमें उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी. तो जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है ना वो एज इट इज यहाँ पर अभी अप्लाई होने जा रहा है, ठीक है? सो ये हो जाएगा माइनस एनआरबी. तो इस एनआरबी की हम एक वर्किंग दिखा देते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे जाके मैं उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ. एनआरबी, अब एनआरबी जो मरीना का है अपना वो कितना है? मरीना का अपना एनआरबी कितना है वो तो टैक्स शीट में से मिल जाएगा आपको डेथ ईयर के अंदर. और अनयूज्ड जो गैल्विस का आया है उसकी हमें वर्किंग दिखानी पड़ेगी, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी. वो अनयूज कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे कि उसने गिफ्ट किस ईयर में किया.
उसने गिफ्ट किस ईयर में किया। सो यहाँ उसकी वर्किंग करने के लिए पहले उसका गिफ्ट देखते हैं, सॉरी उसकी डेथ किस ईयर में हुई, उसकी डेथ चेक करें। गैल्विस की डेथ कब हुई? गैल्विस की डेथ हुई है 1 जून 2008 को। तो 1 जून 2008 का जो टैक्स ईयर बनता है वो बनता है 8 और 9। इसका जो एनआरबी आपको टैक्स शीट में मिलेगा ना, आप देखेंगे टैक्स शीट में जाके, तो वो बनता है 3,12,000। इसको हम बेस बना के चलते हैं। तो गैल्विस की जब अपनी डेथ हुई थी तो उसका एनआरबी था 3,12,000। और जो उसने ट्रांसफर किया था ना डेथ स्टेट के ऊपर, तो उसके पास तो थे ही 1,60,000। तो इसका मतलब है कितना अनयूज्ड हुआ अमाउंट निकाले। एनआरबी 3,12,000 का था लेकिन ट्रांसफर उसने किया ही 1,60,000, उसके पास थे 1,60,000। तो बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 1,52,000, 1,52,000 बच गया। अब इस 152 की परसेंटेज निकालें। सो 152 आउट ऑफ 312, व्हाट इज द परसेंटेज? ये एरिया हम ऐसा करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट को बहुत ट्रबल करता है कैलकुलेट करने, यूजुअली स्टूडेंट परेशान होता है। परसेंटेज बन रही है 40। अच्छा, इसका तरीका ये है कि अगर आप डेसिमल से बचना चाहते हैं ना, तो आप एक काम करें, आप परसेंटेज अलग से ना निकालें, बल्कि ये निकालने के बाद ना इसको करंट ईयर के एनआरबी से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा अनयूज्ड का। सो आंसर मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आ रहा है, वरना परसेंटेज निकालेंगे ना तो परसेंटेज में ये होता है कि फिर वो डेसिमल की वजह से, ऑल्दो वो एक्सेप्टेबल होगा एग्जाम में, लेकिन फिर आंसर बहुत चेंज हो जाता है। तो हमने 152 आउट ऑफ 312 करके इसका डिफरेंस निकाला, परसेंटेज आई, और उस परसेंटेज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया करंट 3,25,000 से, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 158,333 अप्रॉक्स, 158,333। कोई और आंसर रीजनेबल हो तो वो आप ले सकते। तो अब देखें इसको प्लस कर दें, ये टोटल एनआरबी हो गया, और ये टोटल एनआरबी कितना बनेगा? ये टोटल एनआरबी बनेगा 483,333। ये 483,333 आप यहां से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, क्योंकि लुक बैक में तो कुछ है ही नहीं, लुक बैक 7 ईयर्स में तो कुछ है ही नहीं लाइफ टाइम ट्रांसफर इसके अलावा। ये माइनस कर दें, आंसर बताएं क्या आंसर आ रहा है, टैक्सेबल अमाउंट निकालें। हम लाइफ टाइम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो आईएसटी का रेट कितना होता है पीईटी के ऊपर? आईएसटी लगेगा 40%, इसका 40% निकालो। 5 to 6 years थे ना डेथ के, तो टेपर भी लगेगा, लेकिन टेपर आईएसटी निकालने के बाद लगता है, अगर प्रोफॉर्मा याद किया था। अच्छा जी, तो अब ये बताएं कि टेपर रिलीफ कितना होगा। पेपर रिलीफ की परसेंटेज आपको टैक्स शीट में मिल जाएगी, अभी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 5 to 6 और इसकी रिलीफ की परसेंटेज होगी 60, तो 83,267 का 60% निकालें, 49,960 ये इसमें से माइनस कर दें। दिस इज आईएचटी पेबल, तो हमारा आई एस टी पेबल आ जाएगा
33307 लाइफ टाइम में तो कोई टैक्स होता ही नहीं है, तो वो शो करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 33307 ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ए पार्ट में हमसे पूछा था कैलकुलेट आईएसटी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मेरीनास गिफ्ट ऑफ द शेयर्स इन सिपेंग पीएलसी एज अ रिजल्ट ऑफ अ डेथ, जो उसने पेस्कारा को दिया था। अब इस पार्ट में देखें जो मसाइल थे ना, वो तो मसाइल अब जब आप रिपीट करेंगे इसको, तो उसमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इस सवाल को बेंचमार्क बना के रखेंगे, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का अगर आपको कोई सवाल करना है तो क्वेश्चन नंबर 30 अवेलेबल है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आप सीख जाएंगे सवाल में अगर कर लेंगे तो। फिर साइड बाय साइड इस सवाल में आपने एक नई चीज सीखी कि ट्रांसफर फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ भी इसके अंदर दिया हुआ था, तो अनयूज्ड एनआरबी कैसे निकालते हैं वो भी आपने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। तो दो चीजें इस सवाल में थी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, अनयूज्ड एनआरबी कैसे निकालते हैं। पेपर तो नॉर्मल सी चीज है, पेपर में इतना मसला नॉर्मली नहीं है। एनी क्वेश्चन इसमें कोई प्रॉब्लम? बाकी इसका पार्ट बी का जो दोनों पॉइंट्स हैं क्योंकि वो सीजीटी है, तो जब सीजीटी का नंबर आएगा तो ये पार्ट आप सीजीटी के लिए यहां से उठा के ट्राई कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट पार्ट है जो कि अगर देख लेते हैं एक नजर अभी डूएबल है या नहीं, लास्ट पार्ट वो कहते हैं कि एक्सप्लेन हाउ द प्रोपोज्ड गिफ्ट ऑफ द यूके प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ आईएसटी ऑन पेस्कारास डेथ 4 मंथ्स। तो पेस्कारा ने ना एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का सोचा है अपने बेटे को। अब ये यहां तक अगर देखा जाए तो ये तो पोटेंशियली एग्जेम ट्रांसफर बन गया, लेकिन आगे एक बात लिखी हुई है जो कि इस टॉपिक को चेंज कर देती है और वो टॉपिक हम आगे जाके पढ़ेंगे। और वो है कि पेस्कारा ने ये कहा है कि भाई जब तक ये प्रॉपर्टी मैं जिंदा हूं ये प्रॉपर्टी मैं खुद इस्तेमाल करूंगा, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें डोनर खुद रह रहा हो उसके ऊपर एक रूल अप्लाई होता है GWR, गिफ्ट विथ रिजर्वेशन। तो क्योंकि अभी हमने गिफ्ट विथ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो हम ये 4 मार्क्स नहीं ले सकते, लेकिन गिफ्ट विथ रिजर्वेशन इजी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब एग्जाम में अगर किसी के पास गिफ्ट विद रिजर्वेशन की थ्योरी हो तो उसने सिर्फ आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी कि इस पर टैक्स कैसे लगेगा। तो अगर आपने गिफ्ट विद रिजर्वेशन पढ़ा हुआ है तो आप वो गिफ्ट विद रिजर्वेशन उठाएं और यहाँ पर जाके कॉपी कर दें, यानी कि लिख दें कि जी गिफ्ट विद रिजर्वेशन ये होता है, इसमें टैक्स का रूल ये होता है, XYZ। तो ऊपर के 7 मार्क्स जो कि काफ़ी रिजनेबल थे, और नीचे 4 मार्क्स 11 मार्क्स आउट ऑफ 20 आप ले सकते हैं। अब स्टूडेंट क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि टेक्निकल नॉलेज मिसिंग होती है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती, थोड़ा सा पैनिक होता है, क्वेश्चन रीड करने की सही एबिलिटी नहीं होती, क्वेश्चन में से इन्फॉर्मेशन के साथ खेलने की एबिलिटी नहीं होती। सो ये मिलजुल के जो ना एक ट्रबल क्रिएट करते हैं अगर कोई स्टूडेंट साइड बाई साइड पढ़ रहा है और वो फॉलो कर रहा है कि किस तरह से टीचर ने क्वेश्चन को टैकल किया, तो अल्टीमेटली आपको काफ़ी हेल्प आउट कर जाएगा। आई होप अब तक हमने जो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं है पेपर में जितनी नॉर्मली नज़र आती हैं अगर सही तरीके से काम किया जाए। Any question further? हाँ जी, इस question. चलें, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी जो भी नॉलेज है उसको आगे कैरी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो हमारी डिस्कशन हुई है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट क्वेश्चन, और यहाँ तक जो हमारी अब तक डिस्कशन हुई है उसमें हमने काफ़ी एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ते हैं RNRB की, थोड़ी सी डिस्कशन हमारी बाकी रह गई थी तो उस RNRB की डिस्कशन को हम आगे कंक्लूड करते हैं।
सो हमारे पास हम चलते हैं आर एन आर बी के ऊपर दोबारा। आपको मेरी स्लाइड दोबारा विजिबल है? ठीक है, तो आर एन आर बी की बात करते हैं। देखें, पहले हमने जर्नल रूल जो डिस्कस किया था, अगर उसको रिकॉल किया जाए, तो जर्नल रूल हमने डिस्कस किया था कि आर एन आर बी क्यों मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, वो हमने कर लिया। लेकिन आर एन आर बी की जो 1,75,000 की मैक्सिमम वैल्यू है, समटाइम्स ये वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है? उसमें रूल है टेपरिंग ऑफ। तो ये देखें, लोअर ऑफ में जब हम 175 ले रहे थे ना, तो इसके आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू टेपरिंग। टेपरिंग मींस रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हो सकती है सब्जेक्ट टू टेपरिंग। तो अब देखते हैं इसमें क्या टेपरिंग पॉसिबल है। तो टेपरिंग का रूल एक छोटा सा रूल है, लेकिन ये भी बीच में कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में या थ्योरेटिकली आ सकता है, इसको भी केयरफुली करना है। दी आर एन आर बी will be withdrawn from death state with a net value before deduction of the APR relief, the BPR relief and exemptions. Net value को उन्होंने define किया है कि net value before deduction of these exemptions होंगी exceeding 2 million. अब इसको समझें, अगर आपकी डेथ स्टेट की नेट वैल्यू यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, नेट वैल्यू, अगर आपकी डेथ स्टेट की वैल्यू एक्सीड करती है 2 मिलियन से, तो तब टेपरिंग वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। क्या मतलब? अगर आपकी डेथ स्टेट की वैल्यू एक्सीड ही नहीं करती 2 मिलियन से, तो 1 मिलियन है, 5 लाख है, 1.5 मिलियन है, तो भी टेपरिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ये क्लियर कर लें पहले कि टेपरिंग अप्लाई कब होगा और जो नेट वैल्यू है उसका मतलब क्या है, वो कहां से आएगी। तो उसमें एग्जेम्पशन से पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर एज्यूम कर लें कि आपकी जो नेट वैल्यू है सपोज वो 2.1 मिलियन है, तो अब आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा कि यार यहाँ पर 1,75,000 वाला रूल थोड़ा सा चेंज होने वाला है। सो अगर एक्सीड करती है नेट वैल्यू, तो रूल क्या है, जितना एक्सीड करेगी तो हर 2 पाउंड एक्सीड करने पर फॉर एवरी 2 1 की डिडक्शन, 1 पाउंड की डिडक्शन होगी, यानी कि 50% का रूल बनता है। 1 फॉर एवरी 2 का 50% का रूल बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू बची बनी 2.1 मिलियन, ठीक है, तो आपने इसको 2 मिलियन से कंपेयर किया, कितनी वैल्यू एक्सीड हुई, एक्सेस निकालें, आसान सा तरीका बता रहा हूं। ये एक्सेस निकाला आपने, इसको आप 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 50,000। ये हो गई रिडक्शन, ठीक है, और ये रिडक्शन फिर आप 1,70,000 में से माइनस कर दें, 50,000। अब आपका जो मैक्सिमम था वो 1,75,000 में से रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 1,25,000। तो लेट मी रिपीट, पहले आपको नेट वैल्यू निकालनी है। अगर नेट वैल्यू 2 मिलियन से एक्सीड करती है, आपको एक्सेस निकालना है, एक्सेस को आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो रिडक्शन होगी, उस रिडक्शन को आपको 175 में से माइनस कर देना है, तो आपका आर एन आर बी का मैक्सिमम वैल्यू अब कितनी हो गई, 1,25,000। फिर आप लोअर ऑफ का यहाँ पर लगाएंगे, आप 175 की जगह 125 एंड द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉपर्टी विच एवर इज लोअर। अच्छा, इस तरह से तो फिर एक प्रॉब्लम होगी, अगर वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई तो ये तो हो सकता है जीरो भी हो जाए। क्या आर एन आर बी जीरो हो सकता है? यस इट इज पॉसिबल। आर एन आर बी विल बी जीरो कब, जब नेट वैल्यू 2,350 या उससे ज्यादा हो जाए।
चेक कर लें हम, 2350 अगर 2 मिलियन से माइनस होता है तो डिफरेंस क्या बचता है, 3,50,000। 3,50,000 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर आता है 1,75,000। 1,75,000 की रिडक्शन, टोटल अवेलेबल 1,75, रिडक्शन 1,75, आंसर इज 0। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें कि आपका जो आर एन आर बी है वो या तो 175 ही रहेगा या रिड्यूस हो जाएगा, या देयर माइट बी अ सिचुएशन कि वो क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है। इससे आपको याद करने में आसानी। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आता है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इतना ज्यादा भी टेक्निकल नहीं है। सबसे पहले आपको नेट एसेट की वैल्यू निकालनी है, नेट स्टेट की वैल्यू निकालनी है। अगर वो वैल्यू 2 मिलियन से ज्यादा है तो लेंगे, वरना इसको कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं। अगर उसकी वैल्यू 2 मिलियन से ज्यादा आ जाती है तो फिर आपको कंसीडर करने की जरूरत है और फिर आप इसके बारे में सोचेंगे और आर एन आर बी को अपना एडजस्ट करने के बारे में सोचेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डेथ स्टेट के अंदर, या घर है आपने डायरेक्ट डिसेंडेंट को ट्रांसफर नहीं किया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर आर एन आर बी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो ये एन आर बी, आर एन आर बी ड्यू डेट्स में पिछली क्लास के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका था। तो ये हमारी जो है वो पहली स्लाइड, यानी ये पहले चैप्टर की तो कंप्लीट स्लाइड हमने यहाँ पर खत्म कर ली। डेथ स्टेट की भी मैंने इसके अंदर बातें कर दी आपकी। तो ऑल टुगेदर ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई छोटा मोटा पॉइंट होगा जो मैंने नहीं करवाया होगा तो आई विल डिस्कस इन द सबसीक्वेंट चैप्टर। नाउ लेट्स मूव टू द सम अदर डिस्कशन। अब नेक्स्ट स्लाइड मेरी आपको विजिबल है, स्पेशल वैल्यूएशन रूल वाली जो हमने स्टार्ट की थी। हम नेक्स्ट चैप्टर की जो ऑलरेडी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं उस स्लाइड्स पर हमने जंप किया है। आईएसटी के बुक में, कैपलान की बुक फॉलो कर रहे हैं हम, तो आईएसटी के कैपलान की बुक में 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। पहला चैप्टर आपकी बेसिक्स बना रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमने कर लिया है। ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अगला चैप्टर में हमने पहले से एक वैल्यूएशन वाला रूल ऑलरेडी अप्लाई कर लिया था, क्वार्टर अप और एवरेज ऑफ द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट रिकॉर्डेड बार्गेन। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करते हैं। देखें, जब कोटेड शेयर्स की बात करते हैं ना, तो कोटेड शेयर्स के अंदर और सिक्योरिटीज के अंदर हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं। शेयर्स किसके हमारे पास, सिक्योरिटीज कौन सी हैं, तो ये सारी सिक्योरिटीज की टाइप्स दी हुई। किसी भी सिक्योरिटी की शेयर्स आप गिफ्ट कर रहे हैं तो कोटेड शेयर्स की तो हमने वैल्यूएशन करना सीख ली, इसके अलावा होगा तो क्या करेंगे। तो जो अनकोटेड शेयर्स होंगे ना, कोटेड शेयर्स का तो वही रूल चलेगा। जो अनकोटेड शेयर्स होंगे उसका रूल क्या लिखा हुआ है, अनकोटेड शेयर्स की तो कोई मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप वैल्यू कहां से लेकर आएंगे। तो लिखा हुआ है इट इज टू बी एग्रीड विद एचएमआरसीज शेयर वैल्यूएशन डिवीजन। और आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको अगर आप अनकोटेड शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी। आगे बढ़ते, अगर आप किसी को कोई यूनिट ट्रस्ट के शेयर्स दे रहे हैं, यूनिट ट्रस्ट एक के भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, तो यूनिट ट्रस्ट अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज तो वो किस पे वैल्यू की जाएगी, वो लोवेस्ट बिड प्राइस के ऊपर वैल्यू की जाएगी। लोवेस्ट बिड प्राइस आपको सवाल में दी हुई होगी। ये यहाँ पर सिक्योरिटीज का मसला हो जाता है हल। ये कोटेड शेयर्स की रूल दिया हुआ था, ये कोटेड शेयर्स की टाइप्स दी हुई थी, ये अनकोटेड का रूल दिया हुआ था, ये यूनिट ट्रस्ट के बारे में बताया हुआ है कि यूनिट ट्रस्ट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू लोवेस्ट बिड के ऊपर रिकॉर्ड की जाएगी। अब इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से एक और मसला है, वो है रिलेटेड पार्टी रूल।
तो मैं आज नहीं करवा रहा, मैं आपको आगे जाके नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर कुछ एग्जेम्पशंस आएंगी, बीपीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लें, बीपीआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी डिटेल्ड और टेंशन वाला टॉपिक है ये, इसको मार्क कर लें, इसको अच्छी तरह से कवर करना है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बीपीआर के बाद फिर हमारे पास एक और एग्जेम्पशन आएगी एपीआर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर। और उसके बाद हमारे पास कुछ डेथ स्टेट की फर्दर डिस्कशन आएगी, जो कि मैंने कुछ करवा दी है आपको, तो जैसे हम यहाँ डिस्कस अगर कर लें, डेथ स्टेट जो होती है उसके अंदर तमाम एसेट्स आते हैं, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होती एट द टाइम ऑफ डेथ। वैल्यू एसेट कौन सी होनी चाहिए? ओपन मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, उसको प्रोबेट वैल्यू भी कहते हैं। मॉर्गेजेस जो होंगी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू में से माइनस होंगी, एंडोमेंट मॉर्गेज, Endowment mortgage is not to be deducted. Interest only and repayment mortgage is to be deducted. अच्छा, उसके बारे में आगे information दिया हुआ है। In case of insurance policy, takes proceed rather than market value. ये point भी मैं आपको already clear कर चुका हूँ। Value of the estate will be reduced by any legally enforceable debt due at that date. Credit card bills, funeral expenses, exempt bequests जो भी होंगे वो सब minus हो जाएंगे। Funeral expenses includes any kind of these items, ये भी आप discuss कर सकते हैं, ये भी minus मैं already बता चुका हूँ। Wait one minute. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये format लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मेट आज मैंने बनाया था ये फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें कुछ नई चीजें भी नजर आएंगी। अभी फिलहाल वो नई चीजें आप इग्नोर करते हैं, जैसे गिफ्ट विद रिजर्वेशन क्या है, क्यूएसआर क्या है, डीटीआर क्या है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोफॉर्मा बना हुआ। जब आप एक फाइनल प्रोफॉर्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे ना, तो आपके पास ये पूरा प्रोफॉर्मा है, जो कि डेट एसेट्स माइनस ऑब्लिगेशन, वैल्यू ऑफ स्टेट, एग्जेम्प्ट लेगेसीज, नेट फ्री स्टेट, ये कंप्लीट प्रोफॉर्मा की हमें जरूरत पड़ेगी, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है रिड्यूस रेट ऑफ डेथ स्टेट। देखें, जो डेथ स्टेट का टैक्स रेट है वो टैक्स शीट में भी दिया हुआ है, अब याद भी हो गया होगा वो कितना है, वो है 40%। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपका जो रेट है वो इससे नीचे आ जाए, और कहाँ पहुंच जाए। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपका 40% रेट क्या हो जाएगा, तो आज हम इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और बाकी अपनी एग्जेम्पशंस करके चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप करेंगे। अ रिड्यूस रेट ऑफ 36% कब अप्लाई होगा, कब आपका रिड्यूस रेट अप्लाई होगा? नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट क्वेश्चन के तौर पर पास पेपर में आ चुका है रिड्यूस रेट वाला, तो आप अगर रिड्यूस रेट वाला भी अच्छी तरह से कर लें तो इट माइट बी पॉसिबल के एग्जाम में आपको ये देखने को मिले। रिड्यूस रेट 36% कब अप्लाई होगा, किन स्टेट पर अप्लाई होगा, जिसके अंदर 10% और मोर ऑफ द बेस लाइन अमाउंट इज लेफ्ट टू अ क्वालिफाइंग चैरिटी। अब देखें रूल समझें, वो कह रहे हैं कि अगर आप बेस लाइन अमाउंट का 10% या उससे ज्यादा चैरिटी में डाल देते हैं, चैरिटी तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्जेम्प्ट तो होती है, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आपका रेट भी 40% से 36 पे आ जाएगा। किसका 10% और मोर, किसका 10% और मोर की बात की जा रही है, बेस लाइन अमाउंट। तब आपके जहन में आएगा बेस लाइन अमाउंट कैसे निकालेंगे,
तो जो भी बेस लाइन, अब देखें फॉर एग्जाम्पल चैरिटी को आपने 40,000 दी, ये 40,000 तो एग्जेम्प्ट है, ठीक। अब आप क्या देखेंगे कि अगर आपकी चैरिटेबल लेगेसी 10% रूल के से ज्यादा या इक्वल है तो 36% रेट लगेगा, और अगर आपकी चैरिटेबल लेगेसी 10% रूल से कम है तो कितना रेट लगेगा, 40% लगेगा। वो 10% रूल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसलाइन अमाउंट कैसे निकालें, सारा जो गेम है वो क्या है, हाउ टू कैलकुलेट दिस बेसलाइन अमाउंट। इसका फॉर्मूला अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये 36% चेक करने में और अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसलाइन अमाउंट कैसे निकालते हैं, बेसलाइन अमाउंट निकालते हैं क्या होता है, टैक्सेबल स्टेट जिसके ऊपर आईएसटी लगता है, फाइनल वाली टैक्सेबल स्टेट, उस टैक्सेबल स्टेट में से क्या क्या माइनस होके आई हो, वो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एग्जेम्पशंस ऑल काइंड ऑफ रिलीफ अवेलेबल एनआरबी, लेकिन उसमें से दो चीजें माइनस ना हुई हुई, बिफोर डिडक्टिंग द चैरिटेबल लेगेसी एंड द आरएनआरबी। अब एक प्रॉब्लम आएगा हमारे सामने, वो प्रॉब्लम ये आएगा कि जब मैं टैक्सेबल स्टेट निकालता हूं, ये देखें टैक्सेबल स्टेट क्या है, ये टैक्सेबल स्टेट है ना, तो इसमें से सब कुछ माइनस हुआ हुआ होता है, इसका मतलब होता है मुझे कुछ रिवर्स वर्किंग करके इसको बेस लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले हम बेस लाइन निकालेंगे, बेस लाइन का 10% निकालेंगे, उसको चैरिटी के अमाउंट से कंपेयर करेंगे, और अगर ये रूल फॉलो होता है तो या तो रेट 36% होगा या रेट क्या होगा 40%। तो बेस लाइन निकालने के लिए आपके पास टैक्सेबल स्टेट होगी और उस टैक्सेबल स्टेट को आप कंपेयर करेंगे कि उसमें से आपको ये तीन चीजें माइनस होनी चाहिए, एग्जेम्पशन रिलीफ एंड एनआरबी, लेकिन आरएनआरबी और चैरिटेबल लेगेसी जो है वो माइनस नहीं होनी चाहिए। एज्यूम कर लेते हैं कि बेसलाइन हमें निकालना आ गया, तो बेसलाइन जो होगा उसका हम 10% निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेसलाइन हमारा अमाउंट आया, लेट्स एज्यूम बेसलाइन हमारे पास आ गया 500, इसका हमने 10% दिया, 10% वैल्यू कितनी आ गई 50,000, ये हमारा बेसलाइन की 10% वैल्यू बन गई, ठीक है। अब हमने चैरिटी की वैल्यू चेक की, चैरिटी फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम दैट चैरिटी 60,000 है या चैरिटी 40,000 है, पहले वाले केस में इट इज ग्रेटर देन बेसलाइन, दूसरे वाले केस में इट इज लेस देन बेसलाइन। सो पहले वाले केस में 36% रेट लगेगा, दूसरे वाले केस में 40% रेट लगेगा। तो असल गेम है आपका बेस लाइन का अमाउंट निकालना, फिर उसका 10% निकालना, उस 10% को चैरिटेबल अमाउंट से कंपेयर करना। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर आपने डेथ स्टेट में अपनी विल में लिख दिया कि मैंने इतने को चैरिटी की, लेकिन वो चैरिटी इतनी कम है कि वो बेस लाइन के अमाउंट से क्या हो रही है, कम आ रही है, और रेट आपका 40% लग रहा है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है, बड़ी सरप्राइजिंग पॉसिबिलिटी ये है कि जो विल है ना, उस विल के अंदर बाद में उस शख्स के मरने के बाद भी अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, और अमेंडमेंट करके आप चैरिटी को बढ़ा दें ताकि आप बेस लाइन से एक्सीड कर जाएं और आपका रेट 40 से रिड्यूस होके 36% पर आ जाए। ये भी हमारा टॉपिक है कि वेरिएशन इन विल कैसे की जा सकती हैं और उसकी क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल हैं।